विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर। मंदिर से जुड़े जितने भी लोग हैं, पुजारी हो, दुकानदार हो, फूल बनकर बेचने वाले लोग हों, ये सारे लोग जो हैं बाबा बासुकीनाथ से ही आश्रित हैं और खास करके श्रावणी मेला पे आते हैं। सरकार का फैसला आ गया है कि श्रावणी मेला इस वर्ष भी नहीं लगेगा, पिछले वर्ष भी नहीं लगा था और इस वर्ष भी श्रावणी मेला नहीं लगेगा। जो ये आप सामने जो दुकान देख रहे हैं, ये दुकानदार लोग जो है श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं के इंतजार में रहते हैं और श्रावणी मास में यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं सावन भादो में। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, पंडित जी हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कौशिक हुआ, मैं बासुकीनाथ का रहने वाला हूँ, मैं पंडित जी हूँ यहाँ का। सरकार का फैसला आ गया है कि इस बार भी मेला नहीं लगेगा, गेट बंद रहेंगे, तो क्या लग रहा है कितना दिक्कत होगा आप लोगों को? काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के पंडित लोकल दुकानदार सभी फूल पत्र वाले सभी आर्थिक स्थिति सबकी जो है कमज़ोर हो गई है। दूसरी बार ये हुआ है जो सावन का मेला नहीं लग रहा है, इसके वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने जो निर्देश दिया है उसका तो पालन हो ही रहा है, अपितु ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ जो है मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, जो कि यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसके लिए थोड़ा खेद है हमें। इसी के साथ मेला जो है मेरे यहाँ का जो आधार है वो श्रावणी मेला ही है, जिससे लोग जो है सालों भर अपना जीवन यापन करते हैं, और ये दूसरी बार है जो कि मेला नहीं लगा और ना ही सरकार की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा, कोई व्यवस्था, कोई भी सहयोग नहीं प्राप्त चाहते हैं कि आप लोग चाह रहे हैं कि सरकार आप लोगों को आर्थिक मदद करे अगर मेला नहीं लगे। बिल्कुल, क्योंकि मेला लगेगा नहीं तो जो कमाने का साधन जो है यहाँ का यात्री आने के बाद ही है, और यात्री यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है और आर्थिक स्थिति सबकी दयनीय हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए, कुछ आर्थिक पैकेज जो है उपलब्ध करानी चाहिए। सरकार को आर्थिक पैकेज देनी चाहिए ऐसा मांग इनका और होना भी चाहिए। दो साल से यहाँ मेला नहीं लग रहा है और श्रद्धालुओं का आना जाना लगभग बंद है, ऐसे में जो आप लोग जो पूजा पाठ कराते थे अब क्या कीजिएगा आगे? सरकार से तो अनुरोध सबको है जो आर्थिक पैकेज दिया जाए, लेकिन उसका उपाय यदि नहीं कर सके तो सरकार को सोचना चाहिए जो मंदिर को छोड़ के आने वाले पूरे प्रखंड में, पूरे जिला स्तर में कोई भी काम करने के लिए व्यवस्था नहीं है। जो कोई फैक्ट्री वगैरह रहता है वो भी नहीं है यहाँ पे, तो आर्थिक स्थिति तो सबका ही गड़बड़ है, मंदिर पुजारी ही नहीं आने वाले समय पूरा जिला का नुकसान हो रहा है, उनका जिला सहित का नुकसान हो रहा है। अगर यदि 10 साल पहले सोचा रहता है सरकार तो कुछ यहाँ रहता है मंदिर पे, और हम लोग जीवन भर चलाते थे, पर अभी मंदिर अचानक 2 साल से बंद है, पूरा आर्थिक स्थिति डमाडोल है हम लोग का, और यही सब कारण है जो आदमी गलत अपना लेता है। देखिए एक बात है, जो श्रावणी मेला से जुड़े लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं, धंधा करते हैं, ये एक महीना के इनका जो कमाई रहता है इस कमाई से ये लोग साल भर चलाते हैं। ये सामने स्विंग द्वार है, समानता ही जीवन में ये दरवाज़ा खुला रहता था, बासुकीनाथ मंदिर में प्रवेश करने का ये मुख्य मार्ग है। श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा है वो कम नहीं हो रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं स्विंग द्वार का जो बंद फाटक है वहीं पर पूजा अर्चना करके वो माथा टेक करके और चले जा रहे हैं बाबा से जो विनती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम कुमार कुंडा है। क्या करते हैं? हम लोग यहाँ से श्रद्धालु आते हैं तो हम लोग यहीं पे दर्शन पूजा करवाते हैं, यहाँ पे जो देने मैंने यहीं दे देते हैं, जो मनोकामना पूर्ण जो भी इच्छा से आते हैं यहीं पे जो सब चीज़ करके चले जाते हैं, वो पूजा पाठ करके मंदिर जाने का कोई अच्छी शिवगंगा भी बंद हो गया। एक तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का डायरेक्शंस है उसका स्ट्रिक्टली कंप्लायंस किया जाए, और सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ धर्म रक्षिणी सभा के हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं और साथ ही जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके द्वारा भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है, और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि COVID-19 के नियंत्रण से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उनका समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ये लोग पूरे भूखमरी के कगार पे हैं, यहाँ के स्थानीय पंडा, फुलदरिया समाज, पंडा समाज, स्थानीय छोटे बड़े दुकानदार लोग, रिक्शा चालक, दिन दिहाड़ी मजदूर, सबके सामने में अभी खाने मैंने अपना रोजी रोटी चलाने का लालसा पड़ा हुआ है। सरकार के तरफ से कहीं कोई ये नहीं है, कोई भी राहत पैकेज चाहे कोई भी आश्वासन भी, एक कोरा आश्वासन भी अगर मिलता जो नहीं हम कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, तो यहाँ के
मैंने आम जनता उनके आश्वासन पे भी थोड़े दिन और जी लेते। तो शिवगंगा को बंद कर दिया गया है, श्रद्धालु जिनका मन्नत पूरा हो जा रहा है वो यहाँ आ रहे हैं और फाटक पर ही अपनी मन्नत पूरे होने के बाद पूजा करके चले जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि यहाँ पे जो आश्रित हैं उन्हें किसी तरह का सरकारी भत्ता या मुआवजा मिले ताकि इनका जीविकोपार्जन हो सके। बासुकीनाथ मंदिर से लगातार के लिए हम कम कुछ हैं।